हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंह में घुल जाने वाली एकदम यूनिक मिठाई की रेसिपी। बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना दूध, बिना गैस चलाए बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ घर में रखी 3 से 4 चीज़ों से हमने इसे बनाया है। इसे बनाना तो इतना आसान है, अगर आप मिठाई बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। क्योंकि हमने इस मिठाई को बिना गैस चलाए हुए बनाया है तो इसे बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यकीन मानिए, आप एक बार इस मिठाई को बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। झटपट से मिनटों में बन जाने वाली ये मिठाई आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। हमें घुल जाने वाली स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें, और ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी रेसिपी और मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी मिठाई। इसके लिए हलिया एक मिक्सी का चार इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप चीनी। इसके साथ इसमें ऐड कर रहे हैं 2 इलायची। इन्हें कर लेते हैं ग्राइंड। हमने चीनी को ग्राइंड कर लिया है, एक फाइन पाउडर बनकर रेडी है। अब हमने यहाँ लिया है एक बोल, इस पर लगा लेंगे एक छलनी। चीनी का कोई दाना इसमें ना रह गया हो और जो हमने इलायची डाली है उसके छिलके इसमें जो रह गए हैं उन्हें हटाने के लिए हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और इसका फाइन पाउडर हमें चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर शुगर पाउडर को छान लिया है। ये जो इसमें इलायची के छिलके दिख रहे हैं इन्हें हटा देते हैं। अब इसी जार में मैं ऐड कर रही हूँ मुरमुरे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी मुरमुरा बर्फी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी मुरमुरे। पहले हमने इसमें 1 कटोरी मुरमुरे डाल दिए हैं, पहले हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये बचे हुए 1 कटोरी मुरमुरे हम बाद में ग्राइंड करेंगे, तो पहले हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर मुरमुरे को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इन्हें भी हम एक बार छलनी लगाकर छान लेंगे। मुरमुरे को भी हम एक बार छान लेते हैं। मुरमुरे का भी हमें यहाँ पर फाइन पाउडर चाहिए। तो इसमें ये मोटा मुरमुरा रह गया है, इसे हम दूसरी बार में ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मोटे मुरमुरे जो बच गए थे उन्हें डाल दिया है। और अब जो हमारे पास 1 कटोरी मुरमुरे और है उन्हें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी मखाने। मखाने डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मुरमुरे और मखाने को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। अगर आप यहाँ पर रोस्ट किए हुए मखाने और मुरमुरे लेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। और इन्हें भी हम अच्छे छान लेंगे। और हमने यहाँ पर मुरमुरे और मखाने का जो पाउडर बनाया था उसे भी हमने छान लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। मिल्क पाउडर से इस बर्फी में बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। हमने यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है 3 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई। जब हम दूध को बॉईल करते हैं उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है, ये वही मलाई है। यहाँ पर हम ताजा फ्रेश मलाई का यूज करेंगे। और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अभी हमने यहाँ पर 3 चम्मच मलाई डाली है, अगर हमें और जरूरत लगेगी तो हम इसमें और मलाई ऐड कर देंगे। तो हमारा ये जो बर्फी के लिए मिक्सचर है यह भी मुझे काफी सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें मैं और मलाई ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई और ले ली है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे भी डाल लेंगे जरूरत के अनुसार। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मलाई डाली है और अच्छे से हमें इन सारी चीजों को मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने टोटल 5 चम्मच मलाई यूज की है। और ये लीजिए, हमारा मिक्सचर बर्फी के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें यहाँ पर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है, डो बनाया है, ये सॉफ्ट चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे एक कंटेनर और इस डो को हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आप जो भी कंटेनर ले रहे हैं उसमें आपको घी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो इसमें मलाई डाली है, मलाई में भी काफ़ी घी होता है तो उससे ये बहुत ही आसानी से निकल आती है। हम इसे 1/2 घंटे की तरह छोड़ देंगे। या तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए, या फिर इसी तरह छोड़ दीजिए। और मिलते हैं आपसे 1/2 घंटे के बाद। 1/2 घंटे के बाद ये बर्फी हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ 1/2 घंटे के बाद हमारी बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर ले लेंगे एक प्लेट और इस तरीके से इसे उल्टा करेंगे और हल्के हाथों से टैप टैप करेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए, मिठाई निकल चुकी है।
तो देखा आपने कितना आसान है सुपर टेस्टी मिठाई को बनाना। इस मिठाई को बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चांदी का बरत। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर चांदी का बरत यूज करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना आप इसे पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। और अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बर्फी की शेप में इन्हें कट कर रही हूँ, आप यहाँ पर अपने मनपसंद शेप में इस मिठाई को कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते, मैं भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये पिस्ते डालना भी इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये पिस्ते डालने से हमारी मिठाई देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगी, खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो ये लीजिए, हमारी मिठाई बनकर के रेडी है। तो आपको ये मुरमुरा बर्फी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी ये मिठाई बनी है। तो आप मेरी रेसिपी से मुरमुरा बर्फी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो चलिए, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।